दोस्तों मैंने पोको X3 Pro को स्पीड, परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में कई फोनों से कंपेयर करा, लेकिन इस फोन के कंपैरिजन में कोई फोन नहीं आता जो कि गेमिंग और स्पीड परफॉर्मेंस वगैरह में इसका कंपैरिजन कर सके, स्पेशली 20,000 के प्राइस पॉइंट पर। और फिर मैंने इस फोन को Redmi Note 10 Pro Max से कंपेयर करा, लेकिन पोको X3 Pro ने स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में Redmi Pro Max को भी बीट कर रखा है। लेकिन कई चीजें ऐसी भी है जो कि Note 10 Pro Max में Poco X3 Pro से बेटर है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या चीज बेटर है Pro Max के अंदर और कहां कहां Poco X3 Pro Redmi Pro Max को बीट करता है। Poco X3 Pro का स्पीड बेटर होने का सबसे बड़ा रीजन है इस फोन के अंदर Snapdragon 860 का होना, जो कि Adreno 640 GPU पर काम करता है। लेकिन Note 10 Pro Max में आपको मिलता है 732G का Adreno 618 का प्रोसेसर, यानी कि Snapdragon 862 और Adreno 640 GPU होने की वजह से Poco X3 Mi Pro Max Note 10 को भी बीट करता है, और जिसकी वजह से N22 स्कोर में भी Poco X3 Pro Note 10 Pro Max से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और दोस्तों पहले जो Poco X3 आ रहा था और जो Mi Note 10 Pro Max जो फोन है, ये दोनों फोन ही सही परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल टास्किंग करते थे या मल्टीपल ऐप वगैरह यूज करते थे तो थोड़ा आपको लैगी फील आता था। तो यहाँ देखेंगे Poco X3 और Note 10 Pro Max दोनों में थोड़ा लैगी फील आता था जब आप ज्यादा मल्टीपल टास्किंग या फिर मल्टीपल एप्स यूज करते थे। और यहीं पर Poco X3 Pro मल्टीपल टास्क या फिर मल्टीपल एप यूज करते टाइम भी फास्ट काम करेगा। Poco X3 Pro का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आप गेमिंग के टाइम पर 60 FPS पे वेरी हाई का ऑप्शन यूज करके भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max में जब आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर आप वेरी हाई यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप हाई ऑप्शन का यूज करके 60 FPS पे गेम खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप वेरी हाई का ऑप्शन यूज करते हैं गेमिंग के टाइम पर तो वहाँ पर 40 FPS के आसपास काम करेगा Note 10 Pro Max, लेकिन यहीं पर वेरी हाई का ऑप्शन यूज करके 60 FPS पे गेम खेल सकते हैं आप Poco X3 Pro के अंदर। तो घुमा फिरा के बात ये आती है कि Poco X3 Pro आपको बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है, स्पेशली जब आप गेमिंग करते हैं Poco X3 Pro से। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि Redmi Note 10 Pro Max जो मतलब थोड़ा नाम है इस फोन का, ये अच्छा नहीं है या गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन Poco X3 Pro में ज्यादा फीचर यानी कि बेटर प्रोसेसर वगैरह होने की वजह से Poco X3 Pro जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा गेमिंग के टाइम पर। लेकिन काफी रिव्यूज में मैंने देखा है कि Poco X3 Pro ज्यादा जल्दी हीट होता है Note 10 Pro Max से, बेसिकली ज्यादा हैवी गेमिंग या ज्यादा देर गेम खेलने से थोड़ा सा हीट हो जाता है Poco X3 Pro, लेकिन इतना भी हीट नहीं होता कि आपको गेमिंग छोड़ना पड़ जाए, यानी कि थोड़ा बहुत ही आपको जो है हीट फील होता है Poco X3 Pro के अंदर जब आप ज्यादा लंबे टाइमिंग तक गेमिंग करते हैं Poco X3 Pro में। तो Snapdragon 860 का प्रोसेसर होने की वजह से Poco X3 Pro जो है उसका रिफ्रेश रेट जो है 120 हर्ट्ज का दोनों में सेम है, लेकिन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी Poco X3 Pro के अंदर। और अगर चार्जर की बात करें तो दोनों ही फोन 33 वॉट के चार्जर के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा Poco X3 Pro का गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर होने का एक और रीजन है, इसके अंदर आपको जो स्टोरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको UFS 3.1, और Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आपको दिया हुआ है स्टोरेज 2.2। लेकिन जब हम स्क्रीन की बात करें तो Gorilla Glass 5 मिलेगा आपको Mi Note 10 Pro Max के अंदर, लेकिन Poco X3 में आपको मिलेगा Gorilla Glass 6। और यहीं पर जब आप हैवी सनशाइन के टाइम पे अपने स्क्रीन पर देखते हैं Poco X3 Pro में तो आपको सिर्फ 450 nits का ब्राइटनेस मिलेगा, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आपको मिलेगा 700 nits तक का ब्राइटनेस, और यहां तक कि Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आपको 1200 तक का पीक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ज्यादा ब्राइटनेस में यानी कि बाहर आप फोन यूज करते हैं तो देखेंगे कि Poco X3 Pro जो है थोड़ा सा डार्क नजर आएगा जब आप कंपेयर करेंगे Redmi Note 10 Pro Max से। इसके अलावा Redmi Note 10 Pro Max में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहां मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन Poco X3 Pro में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब क्योंकि Redmi Note 10 Pro Max यानी कि इतना बड़ा नाम दोबारा, तो ये जो फोन है इसमें 108 मेगापिक्सल दे दिया आपको, तो इसमें क्या है कि अगर आप फोटो खींच के ज्यादा जूम करते हैं क्रॉप करते हैं तो यहाँ पर पिक्सलेशन के चांसेस कम मिलते हैं Poco X3 Pro से, क्योंकि Poco X3 Pro के अंदर आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा क्रॉपिंग वगैरह करनी है, पिक्चर को ज्यादा डिटेल चेक करनी है आपको, तो Redmi Note
नोट 10 प्रो मैक्स जो है ये ज्यादा बेटर फोटो देगा आपको, स्पेशली क्रॉपिंग या अगर आपको ज्यादा जूम करके फोटोग्राफ को देखना है। और कई रिव्यूज में ये बताया गया है कि पोको एक्स थ्री प्रो हल्का सा येलो शेड देता है, और कुछ रिव्यूज में ये भी बताया गया है कि रेडमी एम आई नोट 10 प्रो मैक्स आपको देता है हल्का सा ब्लू टोन। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा मैक्रो फोटोग्राफी भी करने वाले हैं तो यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अगर आप सेल्फी फोटोग्राफ क्लिक करने वाले हैं तो पोको एक्स थ्री प्रो आपको देता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी फोटो का ऑप्शन, और नोट 10 प्रो मैक्स में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी फोटो का ऑप्शन। लेकिन पोको एक्स थ्री प्रो के कई रिव्यूज में मैंने चेक किया है, कई रिव्यूज में बताया गया है कि पोको एक्स थ्री प्रो में फोटोग्राफ को ज्यादा शार्प करने की वजह से थोड़ा अननेचुरल सा दिखने लग जाता है, वहीं पर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स ज्यादा नेचुरल लगता है जब आप सेल्फी फोटो क्लिक करते हैं। इसके अलावा अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी की बात करते हैं, लो लाइट सेल्फी की बात करते हैं, तो एमआई नोट 10 प्रो मैक्स में ज्यादा अच्छी फोटो होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस ज्यादा दिया हुआ है, फ्लैश ज्यादा बेटर काम कर रहा है। तो अगर आप लो लाइट सेल्फी की बात करते हैं तो नोट 10 प्रो मैक्स आपको ज्यादा बेटर फोटो क्लिक कर सकता है। लेकिन पोको एक्स थ्री प्रो के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगा कि अगर आप पोको एक्स थ्री प्रो से 4K वीडियो बना रहे हैं 30 FPS पे, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिला हुआ है जो कि आपको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में नहीं मिला हुआ, यानी कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता 4K वीडियो 30 FPS बनाते टाइम, लेकिन एक्स थ्री प्रो में आपको ये फीचर मिल जाता है जिससे कि आपकी वीडियो के ज्यादा स्टेबलाइज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग या 4K वीडियो वगैरह बनाने के लिए एक फोन देख रहे हैं तो पोको एक्स थ्री प्रो काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ओवरऑल फोन देख रहे हैं जिसमें कि कैमरा वगैरह और ओवरऑल फोन अच्छा हो, यानी कि आपको बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करनी लेकिन ओवरऑल फोन आपको बेटर चाहिए, तो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स भी अच्छा फोन है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज्यादा गेमिंग और कैमरे पे फोकस किया, और दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने नोट 10 प्रो मैक्स को पोको एक्स थ्री प्रो से कंपेयर किया हुआ है, उस वीडियो का मैंने लिंक ऊपर दे दिया है, उस वीडियो में मैंने सारे फीचर्स को ही कंपेयर किया हुआ है। और दोस्तों जो मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि मैं अगला वीडियो किस बारे में बनाऊं, यानी कि फोन या कैमरे के रिव्यू या फिर कंपैरिजन में किस प्रोडक्ट को किससे कंपेयर करूं, ऐसा कुछ बताएगा, उनका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।